नमस्कार दोस्तों, आइए मैं एक और छोटी मछली का रेसिपी लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये बहुत स्मॉल फिश का वो है। जी हाँ, मेरे घर में सभी को स्मॉल फिश बहुत पसंद है, तो मैं इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाती हूँ और जिस जिस तरीके से बनाती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। ये हम चलवा कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं, बंगाली में चेला मांस भी कहते हैं। तो ये मैंने ले लिया है कम से कम 300 से 400 ग्राम के बीच। और इसके लिए और क्या चाहिए, सरसों तेल, पानी, इसमें पानी कम लगता है, और चाहिए प्याज, ये एक बड़ा प्याज था, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, हरी मिर्च चीरा लगाया हुआ, 2 टमाटर, धनिया पत्ता कटा हुआ। और मसालों में चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, सरसों, और चाहिए हमें 5 फ़ोरन, और चाहिए हमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं 2 टमाटर, 1 चम्मच सरसों, काली मिर्च 10 से 12, इन तीनों का पेस्ट बनाऊंगी। सरसों 1 चम्मच, काली मिर्च 10 से 12, और 2 टमाटर। अगर आप टमाटर का शौकीन हैं तो आप टमाटर थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो चलिए जब तक मैं इधर मसाला पीसूँगी, इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है और अब मैं इसमें सरसों तेल भी डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सरसों तेल डाल दिया, गरम होता रहेगा ये, और अब हम मसाले पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने टमाटर, सरसों और काली मिर्च को डाल के पीस के एक पेस्ट तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम इधर देख लेते हैं तेल गरम हुआ नहीं हुआ। तो चलिए हम चेक करते हैं, हमारा तेल हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब मैं इसमें 5 फ़ोरन डालूँगी, 1/2 चम्मच, और इसे होने देते हैं, आँच तेज ही रखूँगी। जी हाँ, हमारा हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, आँच तेज ही रखेंगे, और इसे मैं अब थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेती हूँ। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, मैं टमाटर, सरसों और काली मिर्च के पेस्ट में और मसाले मिला के एक तैयार रखती हूँ। तो चलिए हम सब मसाले मिला लेते हैं। तो आइए मसाले डालते हैं हम इसमें। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, हरी मिर्च और धनिया पत्ते को छोड़ के हम डाल देंगे इसमें 1.5 चम्मच के लगभग। अब मैं चाहिए 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच, या आप तीखा खाते हैं तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार यानी 1 चम्मच के लगभग, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको डाल के मैं अच्छी तरह मिला लेती हूँ। आप चाहें तो इसको इसके साथ पीस भी सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो चलिए इधर हम देख लेते हैं प्याज का क्या हाल है। जी हाँ, थोड़ा सा और होगा, चलिए हम इसे हो जाने देते हैं। तो हमारा प्याज हो चुका है और मेरा आँच तेज ही है, गैस का फ्लेम जो है वो हाई पे। तो चलिए अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। इससे पहले भी मैंने स्मॉल फिश का डाला था, आप देख लीजिए, पर वो ग्रेवी वाला नहीं था, ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा। तो हमारे घर में छोटे फिश को सभी पसंद करते हैं, तो इसलिए मेरे घर में ज़्यादा करके स्मॉल फिश ही बनता है। तो इसको तेज आँच पे ही हम भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए हमारा मसाला भून गया और किनारों पर तेल आने लगा। अब मैं इसमें स्मॉल वाला फिश डालूंगी, चलवा या जो भी आप कहते हैं। तो चलिए हम सारा फिश डाल लेते हैं। ये मैंने सारा फिश डाल लिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको मसालों के साथ कुछ मिनट के लिए ऊपर नीचे करूंगी। इसको हम चलाएंगे नहीं, बस जस्ट उठा के वहीं पलट देंगे, नहीं तो हमारी मछलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। ये बहुत नाजुक मछलियाँ होती हैं, ये देखिए,
और बिल्कुल कम पानी डाल के मैं इसको बनाऊंगी। ये ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती, या तो बिल्कुल सूखी होती है या हल्की सी ग्रेवी। ये देखिए, चलिए हम कुछ देर छोड़ देते हैं इसी तरह। तो मेरे को ये कुछ मिनट हो गया, ये देखिए सभी तेल ऊपर आ गए। आप चाहें तो इसी तरह आँच को कम करके, और मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी था कि इतने ही पानी में हम आँच को कम करके पका सकते हैं, क्योंकि इन मछलियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। पर मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को इसके साथ चावल खाना है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी, जिसमें मैंने मसाला पीसा था, ये देखिए पानी कितना है, आधा गिलास से भी कम है, तो मैं यही पानी अब डालूँगी। और तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, और अब मैं इसे ढककर आंच कम कर रही हूँ। और कम आंच में मैं, कम या मीडियम आंच पे मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारी मछलियाँ अच्छी तरह पक जाएं। मैं इसे ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं तो हमारी मछलियाँ टूट जाएंगी। ये मेरे आसपास बंगाली परिवार रहता है हमारे पड़ोस में, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो फिश के बारे में तो मैं उनसे भी राय ले लेती हूँ। चलिए अब इसे पकने देते हैं। चलिए हम अब इसमें मिर्च भी डाल लेते हैं, और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से, ये हमारा मीडियम आंच पे है, ये देखिए, ज़्यादा मत चलाइएगा वरना ये टूटने का डर रहता है। अब फिर से मैं ढक लेती हूँ। चलिए हमारा ये 10 से 15 मिनट हो गया, और ये देखिए सारे तेल ऊपर की तरफ आ गए, और ये हमारा हो चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा धनिया से गार्निश करती हूँ, और ये हमारा तैयार है सर्व के लिए। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा सर्व के लिए तैयार है। इसे आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं और भी तरीक़ों से स्मॉल फिश बनाती हूँ, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी आपके पास। कुछ मेरे बंगाली दोस्तों का रेसिपी होगा, कुछ मेरा होगा। अगर कुछ गलतियाँ होगी तो आप ज़रूर बताइए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा कोई भी रेसिपी आपके पास पहले पहुँचे। अब बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। आपका कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको भी ट्राई कर सकूं और उसको भी अपने चैनल पे दिखा सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।